welcome to BK's Smart Mall. Exclusive range of crockery, home appliances, gift items, personal care products, fancy items and home essentials, cosmetics, watches, perfumes, special toys for kids. BK's Smart Mall. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्हानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। बिजली विभाग की तरफ से इस माह बिजली बिल के साथ साथ एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी बिल भेजा गया है। इसको लेकर आम नागरिकों व व्यापारियों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। इस बात का विरोध उल्हासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक चतलानी ने किया है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, मैं बोलूँगा कि वो जुल्मी सरकार है, क्योंकि उन्होंने 2 साल में कोरोना पीरियड में कोई भी रिलीफ पब्लिक को नहीं दिया। बिजली के बिल माफ़ होंगे, 3 महीने के माफ़ होंगे, गरीबों के माफ़ होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टा अभी तो एक्स्ट्रा डिपॉजिट के सबको बिल भेजे गए। तो सीधा सीधा मैं उल्हासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से इसका विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि हर चीज़ में महाविकास आघाड़ी सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म ही रखा है, क्योंकि आप पेट्रोल के रेट देखोगे तो गोवा, कर्नाटक और गुजरात में रेट कम है, आसपास के जो राज्य हैं हमारे, और सबसे ज़्यादा रेट महाराष्ट्र में पेट्रोल के, सबसे ज़्यादा लाइट के जो बिल हैं, लाइट का जो रेट है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार को जनता की पड़ी ही नहीं है, उनको सिर्फ अपनी जो कलेक्शन से मतलब है, और ये एक्स्ट्रा बिल भेज दिए हैं। मैं और आप देखा जाओगे तो अभी गर्मी का सीज़न जैसे चालू हुआ है, जो मेंटेनेंस के नाम पर या दूसरी बातों के कारण बार बार लाइट बंद करना, या जिस तरह की हमारे शहर की हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइट की, उसमें किधर भी आपको काम दिखता नहीं होगा। अंडरग्राउंड केबलिंग का जो काम है वो भी ठप पड़ा हुआ है पूरा। एक ट्रांसफार्मर बदली करने के लिए भी इनके पास, ये लोग बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है। ये हमारा उल्लासनगर को इन लोगों ने क्या समझ के रखा है। मैं उल्लासनगर के व्यापारियों की तरफ से इसका विरोध करता हूँ, जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है। जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स लाए हैं एक और शानदार ट्रिप। 10 मई से 19 मई तक शिमला, कुल्लू मनाली और चंडीगढ़ जैसी हजीम शहरों में आपको घुमाया जाएगा सिर्फ 16,500 रुपए में, जिसमें मणिकरण गुरुद्वारे में भी आपको दर्शन करवाया जाएगा।